गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. टुडेज मॉर्निंग हुक्मनामा फ्रॉम श्री दरबार साहिब अमृतसर इज बाय भगत कबीर जी इन राग तनासरी अंग 692 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी. लेट्स रीड इट अंडरस्टैंड सो दैट वी कैन इम्प्लीमेंट इन आवर डे टू डे लाइफ. सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी. राम सिमर राम सिमर राम सिमर पाई. रिमेंबर द लॉर्ड रिमेंबर द लॉर्ड रिमेंबर द लॉर्ड इन मेडिटेशन ओ सिबलिंग्स ऑफ डेस्टिनी. राम नाम सिमरन बिन बूढ़ ते अधिकाई रहाओ. विच मीन्स विदाउट रिमेंबरिंग द लॉर्ड्स नेम इन मेडिटेशन अ ग्रेट मैनी आर ड्राउंड. बंधिता सुत दे गृह संपत सुखदाई. योर स्पाउस चिल्ड्रेन बॉडी हाउस एंड पोजेशंस यू थिंक दीज विल गिव यू पीस. इनमें कछ नाही तेरो काल अवध आई. विच मीन्स बट नन ऑफ दीज शैल बी योर्स व्हेन द टाइम ऑफ डेथ कम्स. लेट्स रिलेट दिस विद आवर डे टू डे लाइफ सो दैट वी कैन इम्प्लीमेंट इट टूडे. दो चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं. गुरबानी इज एन आर्ट ऑफ थिंकिंग राइट स्पीकिंग राइट एक्टिंग राइट. दिस इज गुरुज गाइडेंस. गुरबानी मीन्स गुरु दी बानी विच इज़ अ गाइडेंस विच इज़ द गाइडेंस रादर एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट इन आवर डे टू डे लाइफ. अदरवाइज दिस विल बी जस्ट लाइक अ गुड कॉन्सेप्ट. उसको इम्प्लीमेंट तो गुरबानी क्या कहती है दैट यू मेडिटेट ऑन द हायर पावर्स नेम. बिकॉज उससे क्या आता है सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ अवेयरनेस से यू कम आउट विद योर फुल पोटेंशियल. दूसरी चीज़ ये जाननी ज़रूरी है कि जितना बर्थ नेचुरल है उतनी नेचुरल डेथ भी है. इट इज़ नॉट दैट वन डे वील डाई. इनफैक्ट आप इनहेल करके देखिए और उसके बाद का स्टेप क्या होता है एक्सहेल. अगर सिर्फ इनहेल ही करते रहोगे देन इट इज़ नॉट पॉसिबल. यू कैन वेल इमेजिन व्हाट विल हैपन. सो जितना बर्थ नेचुरल है उतनी डेथ भी नेचुरल है. तो जो हम मरते हैं वो तो एक हमारी फिजिकल बॉडी जाती है बट बर्थ एंड डेथ दे आर नॉट सेपरेट. सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस टू गेट अवेयर ऑफ योर ब्रेथ्स विद ईच एंड एवरी ब्रेथ. यू नो सीक हिज गाइडेंस बी कॉन्शियसली अवेयर. आप जो भी एक्शन कर रहे हो उसके लिए अवेयर हो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ. सो गेट अवेयर बिकॉज वंस यू गेट अवेयर ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर. एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेरिश द रिलेशनशिप्स. Almighty has blessed us with beautiful relationships जिनको कि एक maintain करना उनको cherish करना बहुत ज़रूरी है. But at the same time it's very important to get self-aware. खुद को जानिए और वो तभी possible है when you seek His guidance, the Almighty's guidance. When you seek His guidance and implement then universe will give you everything whatever you need. तो आज एक प्रैक्टिस करते हैं. आप दिन में जो भी करोगे जो जो भी एक्शंस लोगे उसको थोड़ा कॉन्शियसली लीजिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ क्या इसके लिए मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है. एंड ट्राई टू कनेक्ट विद द ऑलमाइटी बिकॉज जब आप उसके साथ कनेक्ट करते हो ओनली देन यू विल गेट सेल्फ अवेयरनेस. सो मोमेंट टू मोमेंट कॉन्शियसली टेक द एक्शन वॉट एवर एक्शन यू टेक टूडे. So have a great day. Enjoy yourself. Wahe Guru.